नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन की ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम स्टेप ऑफ रिसर्च यानी कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च के बारे में देखेंगे कि 2012 से लेकर 2019 तक ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो स्टेप ऑफ रिसर्च में बार बार रिपीट हुए हैं। और ये जो वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ रिसर्च में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये देखिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 53, शोध की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं और साथ में हमने इसका आंसर भी दिया है, और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं नीचे ये क्वेश्चन। और दोस्तों, मैं बता दूँ कि आज की जो वीडियो है वो केवल और केवल क्वेश्चन की होने वाली है। हम इसमें ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन वो किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके किस तरह से टाइप होते हैं। और कल सुबह की जो वीडियो होगी दोस्तों, उसमें हम थियोरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसने 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, शोध के चरणों का सही क्रम पहचानिए। इन्होंने फिर से पूछ लिया, और यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं यही क्वेश्चन। और उसके बाद दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्या है कि यहाँ पे सिंपल रिसर्च की बात चल रही है, और लेकिन यहाँ पे जो है शोध निबंध की बात चल रही है दोस्तों। तो इसमें हमें थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, और जो काफ़ी स्टूडेंट हैं वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। पीएचडी योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में देखा जाए दोस्तों, तो ये रिसर्च के स्टेप ही इन्होंने पूछे गए हैं। तो ये अगर हमने स्टेप ऑफ रिसर्च कर रखे, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी देखिए, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। ये इन्होंने एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लिया, एक्शन रिसर्च के स्टेप इन्होंने पूछ लिए। तो अब देखिए दोस्तों, स्टेप ऑफ रिसर्च की बात चल रही है हमारी, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है, यानी कि। तो यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने सिंपल रिसर्च के बारे में पूछ लिया, और सिंपल रिसर्च को भी दोस्तों घुमा फिरा के वो देते हैं, तो हमें इससे पता होना चाहिए कि एग्जामिनर है वो क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर देना है। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने एक बार फिर से एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध के स्टेप के बारे में पूछ लिया। ये देखिए दोस्तों, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग आ गया। इसके अंदर क्या है दोस्तों, शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के बारे में इन्होंने पूछ लिया। तो ये जो स्टेप होंगे दोस्तों, ये अलग स्टेप होंगे, और हमारी जो ये है सिंपल रिसर्च है दोस्तों, हमारी ये जो सिंपल रिसर्च है, इसका जो क्रम है वो अलग होगा। ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, और इन सभी के बारे में एक्सप्लेनेशन हम कल सुबह की जो वीडियो होगी उसमें हम देने वाले हैं। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जून 2019 का पेपर है, अभी जो पेपर हुआ था। इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, इन्होंने फिर से एक्शन रिसर्च के स्टेप के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो एक तो होता है दोस्तों सिंपल रिसर्च जो होती है वो होती है, उसके स्टेप होते हैं वो रिपीट होते हैं। उसके बाद में जो हमारी एक्शन रिसर्च होती है, उससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और एक होती है हमारे दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च होती है, उससे हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इन तीन के अलावा और भी काफ़ी तरह की रिसर्च के स्टेप होते हैं दोस्तों, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च के अलग होते हैं और एजुकेशनल रिसर्च के स्टेप अलग होते हैं। इन सभी के बारे में कल की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।